नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। 2:33:34 का वक्त हुआ है। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? आप तो अभी सो रहे होंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखेंगे उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है? कभी वैसे मैं लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। आपने देखा होगा लोग यूट्यूब पर सबसे पहले आते हैं, सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब। तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता कि कोई वीडियो डल गई। तो मुझे आज बताया गया कि सब्सक्राइब के बगल में एक घंटा का बटन आता है, वो घंटा आपको दबाना है जिससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा। दूसरी बात, हमने एक पोल किया था अभिनय मैस जो ग्रुप है हमारा उस पर, कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया। तो पता चला 76,000 लोगों में से 1,000 ने सब्सक्राइब किया है। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि बाकी के 75,000 क्या कर रहे हैं, और अगर ये बाकी के 75,000 ने अभी तक नहीं किया तो फिर बाकी के जो 1,67,000 हैं वो कौन लोग हैं जो हमें जानते भी नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग 40 उसमें ऐसे थे भाई साहब निकल के आए, जिन्होंने ये कहा कि आई डोंट नो हाउ टू सब्सक्राइब। मतलब उनको यही नहीं पता चैनल सब्सक्राइब कैसे करते हैं। मतलब कितनी कमाल की बात है, ये वो लोग हैं जिन्हों अपनी शादी में जाएंगे और घोड़ी पे जो लड़का छोटा बिठाया जाता है वो वहां पहुंच के ये पूछेंगे कि मुझे इसके आगे बैठना है कि पीछे, ये वो कार्टून है। तो भाई ऐसा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और जिनको पता नहीं है सब्सक्राइब कैसे करना है, वो मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी सब्सक्राइब कुछ भी कर पाएंगे। तो वो ना ही करें तो बेहतर है उनके लिए, ठीक है? चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम बेसिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, तो आज हम आइडेंटिटी नंबर 3 जानेंगे कि आइडेंटिटी 3 क्या है। 3 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आइडेंटिटी 2 थी। तो मैं 3 में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जितना आपने 2 में जाना वहीं से हम पढ़ेंगे। जैसे क्या है ये आइडेंटिटी भी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, जस्ट लाइक हेल, नहीं, जस्ट लाइक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ इस पर सवाल करेंगे। मैं 5 या 7 सवाल लिख रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 2-3 सालों में उससे बाहर कोई सवाल आएगा इस आइडेंटिटी पे, अगर कोई भी सवाल आता है तो। जैसे सवाल नंबर 1, पहला सवाल आसान सा लिख देते हैं भाई, कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, मान लेते हैं 9 लिखते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड साइन थीटा क्या, बहुत आसान है निकालना। अगर मैं कोसेक निकाल लेता हूँ तो मेरे को साइन भी आ जाएगा। कैसे भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये 1 के बराबर है तो ऐड कर देते हैं, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 10। कोसेक स्क्वायर थीटा 5, तो कोसेक थीटा दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा? प्लस माइनस इक्वल। एक तो इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। एक और मैं सवाल लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले आ चुका है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ कोसेक की पावर 4 अल्फा बराबर 17 प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा, फाइंड साइन अल्फा क्या होगा, ये पूछ रहा है। आसान है, कुछ नहीं करना। पहले आप कॉट की पावर 4 अल्फा को इधर लेके जाइए, कोसेक की पावर 4 अल्फा माइनस कॉट की पावर 4 अल्फा बराबर 17। इसके दो फैक्टर होंगे, क्या क्या? कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 17। आप देख रहे हैं दूसरा वाला ब्रैकेट 1 हो जाएगा क्योंकि 1 के बराबर होता है। तो फिर ये अकेला ब्रैकेट 17 के बराबर आ जाएगा। कह सकते हैं, ये कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, कि भाई कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 17 आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा कितना होगा? पता ही है हमें, हमें साइन अल्फा निकालना है, दोनों को जोड़ देते हैं। 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 18, 2 × 18, तो कोसेक अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 प्लस माइनस साइन अल्फा इसका उल्टा होगा, प्लस माइनस। उम्मीद करता हूँ इस आसान से सवाल को आप समझ पाए होंगे। कुछ लोगों को अगर ये डाउट आ रहा है कि मैं इसको ऐसा इधर ले जाके 17 को इधर ले आऊँ, कुछ लोगों को ये डाउट आता है, क्लास में भी आता है, कि वो क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फा को तोड़ लेते हैं यहाँ से, और उनका दोनों ही, उनका कोसेक स्क्वायर अल्फा भी 17 आ जाता है उस तरीके से, और कॉट स्क्वायर अल्फा भी 17 आ जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप ये तरीका अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली आइडेंटिटी भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए थी।
जो कि यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे तो दोनों को घटाने पे जीरो आ रहा है, जबकि आना एक चाहिए था, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दो था। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर तीन ये दिया हुआ है, इफ कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 11/2, ये सवाल बहुत अच्छा है, आएगा तो एज इट इज आएगा पेपर में, आप याद रख लीजिए। ट्रेन क्या हुआ, अगर कोसेक ए प्लस कॉट ए 11/2 है, हमें पता है कि इसके दो फैक्टर होंगे, तो मैं आपसे पूछूं कि कोसेक ए माइनस कॉट ए क्या होगा, तो आपको मालूम है आप उल्टा कर देंगे 2/11। अब हमें टेन ए चाहिए, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो मुझे कोसेक ए मिलेगा, और बहुत टिपिकल सा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई डिजिट ऐसी है। तो फिर अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो वहां से टेन ए निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रिपलेट आ जाएंगे। हमें पता है टेन ए चाहिए, अगर मैं डायरेक्ट कॉट ए निकाल लेता हूं तो निकाल सकता हूं टेन ए उल्टा करके, तो हम क्या है इस वक्त घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट, अभी तक हम जोड़ रहे थे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा भाई, 2 cot A बराबर आ जाएगा 11/2 माइनस 2/11। तो 2 cot A बराबर क्या आ जाएगा, 22 LCM, 121 माइनस 4 बराबर 117/22। तो यहां से आप देख रहे हैं कि cot A आ जाएगा 117/44, यहां से tan A 44/117 इस सवाल का उत्तर होगा। अच्छा सवाल है बहुत, आगे बढ़े, सारा सेम है। आप जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखेंगे वो इससे पहले वाली वीडियो भी देखेंगे, जिसमें हमने इस आइडेंटिटी को एक्सप्लेन किया है, कैसे कैसे ये सारी चीजें कर रहे हैं सब बताया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रामायण के 8वें अध्याय से जुड़ते हैं, जहां पे आपको डायरेक्ट ये पता चलता है कि सीता जी का अपहरण हो गया है, तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, भाई कैसे हो गया एक महिला का अपहरण, बहुत सारी बातें। ठीक है, सोचिए उस जमाने में, आज हम इस जमाने की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि यार इतना करप्शन है, ये वो, पुलिस क्या करे। सोचिए ये तो कुछ नहीं है यार, जब भगवान राम का जमाना था तब सोचिए माँ सीता का अपहरण हो गया, और आज तो ये है कि पुलिस, एक आपको पता है एक नेता, उनकी भैंस चोरी हो गई थी तो 3-4 दिन में ढूंढ के देती है। सोचिए मतलब कितनी मीडिया हमारी फास्ट है, कितनी पुलिस फास्ट है। उस जमाने में माँ सीता को ढूंढने में वर्षों लग गए थे, मतलब 6-7 महीने लग गए थे, तब जाके उनको ढूंढ पाए थे। तो मुझे लगता है कि आज सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन पहले वैसे वाले जहाज होते थे ना, ऐसे 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 ऊपर उठाया उठ गए, अब वो जमाना नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इंजीनियर्स की कदरी नहीं हो रही। नहीं तो इंजीनियर्स तो ऐसे ऐसे जहाज बना देंगे भाई साहब कि आदमी पंख पे बैठ के उड़ लेगा कबूतर के, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे जाएगा कबूतर में, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, होएगा जल्दी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5, बहुत खूबसूरत सा सवाल भी, 7 cosec θ - 3 cot θ = 7, उसके बाद 3 cosec θ - 7 cot θ का मान आपसे पूछ रहे हैं। सेम जो भी हमने पढ़ा था पिछली आइडेंटिटी में वही करना है, हमें कुछ नहीं करना। फिर भी मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, कुछ लोग बिल्कुल नहीं, कि भाई अगर आपको ये दिया जाता है ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर सी, उसके बाद कोफिशेंट उल्टे हो जाते हैं, ये आ जाता है बी कोसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा बराबर डी, तो आप अगर स्क्वायर करके घटाते हैं तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम घटा देते हैं भाई, कैसे मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर = 7² - x² 7 के स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा +-3। यही सवाल का उत्तर है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ऐसे ही सवाल हैं जो पिछले आइडेंटिटी में हमने पढ़े थे। एक और सवाल ले रहा हूँ जो 2016 मेंस में आया, मेरे खुद के पेपर में था ये सवाल, 1 दिसंबर को जो पेपर हुआ था। भले ही थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी उनसे पूछने में, बाद में उन्होंने सबको बोनस भी दिया इस सवाल पे। क्या था ये सवाल, cot A प्लस cosec A -1 / cot A माइनस कोसेक ए +1 क्या होगा। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको पिछली आइडेंटिटी में भी यही बताया कि कुछ नहीं करना होता ऐसे सवाल में, सिर्फ इस 1 को चेंज करना है। क्या लिख देना है इस 1 की जगह, कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot² A। अगर अब हम कॉमन लेते हैं पूरे में से
कॉट ए प्लस कोसेक ए मैं कॉमन लेता हूँ तो आप देखेंगे ये आएगा वन वन, यहाँ पे आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, यानी कि वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे क्या होगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, पूरा इससे कट जाएगा सिर्फ ये बचेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए माइन प्लस एक बटे साइन ए, आंसर आ जाएगा कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए प्लस वन बटे साइन ए। आप एक बार ध्यान रखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन में आपको ना मिले तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको क्या करना है वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, ऊपर क्या बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन ए वन माइनस कॉस ए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन ए से कट जाएगा, क्या उत्तर आ जाएगा साइन ए बटे वन माइनस कॉस ए। तो दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं, ये भी और ये भी, दोनों ही सवाल के उत्तर हैं, समझ पा रहे हैं बात को। तो इस आइडेंटिटी में ऐसे ही सवाल हैं, एक और सवाल लिख लेते हैं जैसा कि हमने पिछली आइडेंटिटी में किया ताकि आप डायरेक्ट कर पाएं, मिटा दें इसको। सेम ही सेम सवाल हैं बिल्कुल, ऐसा सवाल यहां भी आ सकता है कि भाई आपसे पूछ ले कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट बी माइनस कोसेक बी, देख पा रहे हैं ठीक है, कहीं प्लस ले लेते हैं कहीं माइनस, थोड़ा अलग बना देते हैं इस सवाल को, और ये हो जाएगा कॉट सी प्लस कोसेक सी बराबर कॉट ए माइनस कोसेक ए और बराबर में लिख देंगे कॉट बी प्लस कोसेक बी कॉट सी माइनस कोसेक सी, कितना होगा, अच्छा सवाल है ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ये के मान लेते हैं, इसको भी के मान लेते हैं ठीक है, और भी ले सकते हैं आगे, और एक और जोड़ देते हैं कुछ भी, जैसे कॉट डी प्लस कोसेक डी और कॉट डी माइनस कोसेक्ट, क्यों मैंने जोड़ा आप समझ जाएंगे मेरी क्या चलती, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा था केस कर, मैं समझ गया भाई आंसर नहीं निकल सकता इस सवाल का, तो मैंने चेंज कर दिया ऑन द स्पॉट। अगर इस सबको मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे कि के स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये भी कॉट स्क्वायर बी माइनस कोसेक स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर सी, कॉट स्क्वायर डी माइनस कोसेक स्क्वायर डी, आ जाएगा। आपको बताइए सब किसके बराबर होंगे, माइनस वन माइनस वन, तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यानी कि प्लस वन, के बराबर होगा प्लस माइनस वन। चलिए इस सवाल के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो तीनों बेसिक आइडेंटिटी हैं उन्हें आप अच्छे से समझ पाए होंगे, कैसे कैसे उन पर सवाल बनेंगे, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक आइडेंटिटी जानी है, इसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत रात हो गई यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एडवांस आइडेंटिटी और पुट वैल्यू हम सीख चुके हैं, उसके अलावा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ये चार पाँच इसके पार्ट और बचे हैं जो चलेंगे अभी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना।